मैं शपथ लेती हूँ विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है, राष्ट्र की उन्नति में मैं सतत तत्पर रहूंगी, अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे राज्य के नीत निदेशक तत्व। हम लोगों ने मूल अधिकार पूरा पढ़ लिया है, अब आज से हमारा शुरू हो रहा है अगला टॉपिक राज्य के नीत निदेशक तत्व। ये दो लेक्चर में खत्म होगा, ज्यादा नहीं है। तो इसको अभी हम लोगों ने भाग एक, भाग दो और भाग तीन ये अध्ययन कर लिया। अब ये कौन सा भाग होगा? चार। तो कंटिन्यू भी अब ये भाग चार होगा। और अनुच्छेद भी कितने तक अध्ययन कर लिए हैं? 35 तक कर लिया है। तो ये कहां से शुरू होगा? अनुच्छेद 36 से। तो अनुच्छेद 36 से लेकर और 51 तक है। राज्य के नीति निदेशक तत्व कितने अनुच्छेद में है? 36 से लेकर के 51 तक और भाग 4 में। अब ये है क्या, पहले ये समझो। भाई देखो, राज्य यहां पर लिखा है राज्य। राज्य का मतलब सिर्फ वो राज्य नहीं है जो आप समझते हो बिहार पश्चिम बंगाल उड़ीसा, वो वाले राज्य नहीं। राज्य की परिभाषा आपने अनुच्छेद किसमें पढ़ा है? अनुच्छेद 12 में पढ़ा है, अनुच्छेद 12 में पढ़ा था। और वो राज्य की परिभाषा यहां भी लागू होगी। कहां लागू होगी? यहां भी। तो कभी कभी प्रश्न ऐसा आ जाता है कि अनुच्छेद 12 के अनुसार जो राज्य की बात की गई है उस राज्य को मूल अधिकार के साथ साथ और कहां अप्लाई किया जाएगा, कहां पढ़ा जाएगा? तो राज्य के नीत निदेशक तत्व में। तो राज्य के नीत निदेशक तत्व अंग्रेजी में कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, डायरेक्ट डीपीएसपी शॉर्ट में हम लोग पढ़ते हैं इसको। क्या? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। देखो, मूल अधिकार व्यक्ति या व्यक्तियों को, कुछ समूह को, संस्थान को, कुल मिलाकर नागरिकों को, व्यक्तियों को, इनको मिला हुआ था। लेकिन ये जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है यहां पर सीधे सीधे संविधान निर्देश देता है। क्या देता है? डायरेक्शन देता है, निर्देश। किसको? राज्य को। किसको निर्देश देता है? राज्य को। और राज्य का मतलब चार तरीके से राज्य हम लोग कैटेगराइज किए थे। पहला क्या था? केंद्र सरकार होगी या फिर संसद होगी। दूसरा क्या था? विधानमंडल होंगे या फिर राज्य सरकारें होंगी। तीसरा क्या था? स्थानीय शासन होंगे, स्थानीय जो है प्राधिकरण होंगे, जिसमें आपका नगर पंचायत, ग्रामीण व्यवस्था, न्याय पंचायत, ग्रामीण सरकारें ये आएंगी। और अन्य प्राधिकरण में क्या था? रेलवे है, बैंकिंग है, ठीक है, बैंक बीमा है, आपका जो है यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेज है, ये सब किसमें आएंगे? अन्य में आएंगे, यानी सरकारी संस्थान जो भी अन्य है। तो वो उन सबको क्या कहा गया है? राज्य। और वही राज्य की परिभाषा कहाँ लागू होगी? आपके डीपीएसपी भी लागू होगी। तो इन राज्यों को कौन निर्देश दिया है, किसने दिया है? संविधान ने। किसने निर्देश दिया है? संविधान ने। तो संविधान निर्माताओं ने राज्य के कार्य करने की पूरी व्यवस्था पहले से बनाकर जो है रख दी थी कि अगर सरकारों को राज्य चलाना है तो किस आधार पर चलाएंगे, उनको चलाने का क्या जो है आधार होना चाहिए। तो वो आधार यहाँ पर बता दिया गया है कि हमको समाज का क्या करना है, मैक्सिमम जो है वेलफेयर स्थापित करना है, कल्याण स्थापित करना है। समाज का क्या स्थापित करना है? कल्याण। और कल्याणकारी राज्य तभी स्थापित होगी जो संविधान में बताए गए नियम है, संविधान में जो बताए गए नीति है, पॉलिसियां हैं, उसके अनुसार अगर राज्य जो है पॉलिसी बनाती है और उसका इंप्लीमेंटेशन करती है तो राज्य जो देश है, जो व्यवस्था है राज्य की, वो चलेगी अच्छी तरीके से। तो यहां पर अब निर्देश, जैसे मैंने तुमको निर्देश दे दिया कि जो है क्या करना है, मतलब आपको परीक्षा में पास होने के लिए रिवाइज करना है, ठीक है, और इतने घंटे पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है। तो निर्देश दिया है ना, पालन करो या ना पालन करो तो तुम्हारे ऊपर है। नहीं करते हो पालन, निर्देश का कौन पालन करता है? तो ऐसे ही संविधान ने राज्य को निर्देश दिए हैं, अब राज्य पालन करे या ना पालन करे उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। राज्य पालन करे या ना पालन करे उसकी मर्जी पर है, राज्य की मर्जी पर है। आदेश होता है तो उसे पालन करना पड़ता है, नहीं तो उसके खिलाफ क्या होगा? चार्ज लगाया जाएगा, ऑर्डर निकाल दिया कि आदेश फरमान जारी हो गया। लेकिन निर्देश में तो यही है ना, किसी को हम सलाह दे सकते हैं कि तुम इस हिसाब से कार्य करो, नहीं करे उसकी मर्जी। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है वो मतलब फोर्सेबल नहीं है, जो है संविधान ने बताया है कि इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। अगर राज्य बता दिया कि ये काम करना है राज्य को और राज्य ना करे तो फिर कोई व्यक्ति या कोई संस्था या कोई समूह
उस सरकार के खिलाफ, उस राज्य के खिलाफ जो है कोर्ट में नहीं जा सकता है। तो ये बेसिक अंतर है मूल अधिकार में और राज्य के नीति निदेशक तत्व में। ठीक है, आप उसके लिए राज्य को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि राज्य कार्य क्यों नहीं कर रही है। तो यहां पर जो है राज्य निर्देश देती है किसको, मतलब वो संविधान राज्यों को निर्देश देती है। तो ये अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक, तो हम लोग सारे अनुच्छेद का अध्ययन करेंगे। आज हम लोग अनुच्छेद 36 से लेकर 40 तक जो है महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसका अध्ययन करेंगे। इसमें प्रश्न बहुत आते हैं, ठीक है, मूल अधिकार की तरीके से ये भी है महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ पर राज्य में जो है किस तरीके से कल्याणकारी योजनाएं, अभी आप सारी चीजें देखते चलोगे सरकारें जो योजनाएं लाती हैं वो सब इसी को पढ़ करके लाती हैं। तुम इसको पढ़े रहोगे ना, तो अगर जा करके कहीं किसी पद पर बैठते हो, राज्य की किसी व्यवस्था का अंग बनते हो, सिलेक्टेड या इलेक्टेड, मैंने पहले बताया था दो प्रकार से शासन और प्रशासन होता है। शासन में कौन होते हैं, जो है इलेक्टेड होते हैं, और प्रशासन में सिलेक्टेड होते हैं। शासन मतलब जो आपने विधायिका के माध्यम से चुन करके भेज दिया, वहां पर सरकार बनाते हैं, वो सब क्या हो जाते हैं, शासक हो जाते हैं, शासन में पहुंच जाते हैं, और तुम्हें से परीक्षा पास करके जो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, इलेक्टेड हो जाते हैं, वो सिलेक्टेड हो जाते हैं, तो वो सिलेक्ट होकर जाते हैं। तो वो सिलेक्ट होकर जो जाएंगे वो भी तो राज्य का ही अंग बनेंगे, तो उन्हें भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के आधार पर राज्य में व्यवस्था लागू करनी है। तो प्रशासन के माध्यम से सारे कार्य करवाता है। इसलिए मैं तो कहता हूं जितने भी नेता जाते हैं जो है संसद में या फिर विधान मंडलों में, उनको संविधान को अक्षरशः जो है रट लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, लेकिन होता नहीं। अगर उस संविधान को अच्छी तरीके से पढ़े रहेंगे तो हमारे देश का जो है बेड़ा गर्क नहीं होगा, देश बहुत आगे जा सकता है। इसलिए तुमको जो है ये सारी चीजें, संविधान उतना ही महत्वपूर्ण है अपनी परीक्षा के दृष्टिकोण के साथ साथ में जीवन जीने की शैली सिखाता है संविधान, जीवन जीने की शैली भी सिखाता है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में किस तरीके से राज्य को निर्देश दिए गए हैं कि नीतियां बनाएंगे राज्य जो है, वो सारी चीजें परत दर परत खुलती चलेंगी और आप देखते चलोगे कैसे व्यवस्था चलाई जाती है सरकारों द्वारा। तो इसको ये तो समझ गए, प्रश्न यहां से पूछा जाएगा। राज्य के निदेशक तत्व भाग चार में है, इसमें है भाग चार में है, अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक है। ठीक, अब इसमें जो है ये क्या है, ये संविधान द्वारा तो बता दिया, संविधान द्वारा राज्य को दिए गए क्या है, ये निर्देश है कि नीतियों का कैसे निर्माण करना है, पॉलिसियां कैसे बनानी है जिससे राज्य का अधिकतम कल्याण हो सके, राज्य के लोगों का अधिकतम कल्याण हो सके, तो ऐसी पॉलिसी बनानी है। और ये लिया कहां से गया है, ये प्रेरित कहां से, आयरलैंड के संविधान से, इसलिए अभी स्रोत मैंने नहीं पढ़ाया है। मूल संविधान कहां से प्रेरित था, यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। और राज्य के नीति निदेशक तत्व कहां से प्रेरित है, कहां से लिया गया है, आयरलैंड से। ठीक है, तो ये आयरलैंड से, ये याद रखना आपको। और ये वाद योग्य नहीं है और परिवर्तनीय भी नहीं है। मैंने बताया ना कि संविधान सिर्फ निर्देश देता है राज्यों को कि ये तुम करो, इसके अनुसार नीतियां बनाओ, नहीं करेगा राज्य तो फिर आप न्यायालय नहीं जा सकते। वाद योग्य मतलब इसके खिलाफ आप कोर्ट में जो है नहीं जा सकते, इसी को कहते हैं वाद योग्य, इसी को क्या कहते हैं, वाद विवाद नहीं कर सकते हो इस मैटर को लेकर के, इसीलिए इसको कहा जाता है वाद योग्य। इन केस, वाद योग्य मतलब केस नहीं बना सकते हो किस पर, राज्य पर। अब राज्य चाहे वो चारों में से कोई भी राज्य हो अगर वो कार्य नहीं कर रही, ठीक, और ना ही परिवर्तनीय है। अब जब इस पर केस ही नहीं बनेगा तो संविधान, तो कोर्ट जो है जबरदस्ती इसको लागू भी नहीं करा सकती है। तो दोनों चीज याद रखना, ना तो ये वाद योग्य है और ना ही ये परिवर्तनीय है। लेकिन आपने मूल अधिकार के तो उसमें पढ़ा था, तो मूल अधिकार में क्या कहा गया था, वो वाद योग्य भी है और परिवर्तनीय भी, परिवर्तनीय मतलब लागू करवाना, जबरदस्ती लागू करवाना। तो मूल अधिकारों को, तो आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो पांच प्रकार के रिटों के माध्यम से आप उसको लागू करवा सकते हो कोर्ट की सहायता से। लेकिन मूल राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी जो है, इसे आप जबरदस्ती संविधान कोर्ट के माध्यम से लागू नहीं करवा सकते हो, इसीलिए उसको कहा जाता है परिवर्तनीय। इसलिए क्या कहता है उसको, परिवर्तनीय, परिवर्तनीय मतलब लागू करवाना, तो लागू नहीं करवा सकते हो तो परिवर्तनीय नहीं है। अब ये क्या चीज है, यथार्थवादी है। ये हमारा जो डीपीएसपी है ये आदर्शवादी और यथार्थवादी दो सिद्धांतों पर काम करता है। यथार्थवादी का मतलब क्या होता है, सच्चाई, यही सच्चाई है। अगर इसको आप वाद योग्य बना देते तो फिर दुनिया भर के जो है कोर्ट में जो है केस चलते रहते, मूल अधिकारों से संबंधित बहुत सारे केस चलते हैं। और अगर इसे भी जो है संविधान निर्माताओं ने वाद योग्य बना दिया गया होता तो क्या होता, आए दिनों मुकदमे चलते रहते,
जैसे किसी को आजीविका के साधन नहीं मिल रहे हैं, मान लो जैसे जीवन जीने के लिए हमको अनुच्छेद 21 के तहत प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता मिली है, तो उसके तहत हम कहां चले जाते हैं, कोर्ट। और यहां पर राज्य को निर्देश भी दिया गया है कि राज्य जो है अपने यहां सबको आजीविका के साधन मुहैया कराएगा। अब राज्य जो है सबको आजीविका के साधन नहीं दे पा रहा है, कुछ बेरोजगार निठल्ले घूम रहे हैं, उनको रोजगार दे नहीं पा रहा है राज्य, तो फिर वो सब कहां पहुंच जाते, कोर्ट। तो ऐसे जाने कितने मुकदमे चलते रहते, यहां हमारे क्लास पढ़ लिए होते, कहते ये तो फोर्सेबल है और न्याय योग्य है, चलो चलते हैं कोर्ट में, हम तो बैठे बैठे जो है नौकरी लेंगे, तो जाने कितने मुकदमे चल रहे होते। इसलिए समझदारी से इसको जो है फोर्सेबल नहीं बनाया गया, वाद योग नहीं बनाया गया, इसीलिए इसको कहा गया यथार्थवादी। यथार्थ मतलब जो सच्चाई है उसी में जीना है ना, सच्चाई यही है। हमारे संसाधन नहीं है भारत में अभी, लेकिन आने वाले समय में इसमें संशोधन करके इसको जो है बनाया जा सकता है, आगे चेंज करके संसद इसको मतलब संवैधानिक संशोधन करके इसमें परिवर्तन कर सकती है, कुछ परिवर्तन किए भी गए हैं, तो इसे परिवर्तित करके फिर इसे वाद योग बनाया भी जा सकता है आगे। लेकिन कब, जब हमारे यहाँ ऐसी मतलब संसाधन होंगे, व्यवस्था होगी कि जो है सारी जनसंख्या को हम नौकरी दे सकते हो। तो इतना संसाधन तो है नहीं और ना ही होगा, क्योंकि संसाधन तो बढ़ नहीं रहे, जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है, तो हमको नहीं लगता ये वाद योग हो पाएगा आगे किसी जो है संवैधानिक संशोधन में। तो इसलिए ये यथार्थ है, यही सच्चाई है कि इसको मानना पड़ेगा। अगर ये वाद योग्य बना दोगे तो फिर कोर्ट के वैसे ही कोर्ट के पास समय नहीं रहता है, और पता चलेगा अर्जी फर्जी तमाम जो है फालतू के जो है वाद वहां पहुंच रहे होंगे, ठीक। और ये राज्य के मूलभूत कर्तव्य है, लेकिन यहाँ पर जैसे हमारे मूलभूत कर्तव्य, इसके बाद हम पढ़ेंगे मूलभूत कर्तव्य, तो ऐसे ही ये राज्य के मूलभूत कर्तव्य है। अब कर्तव्य है, कर्तव्य का पालन करो या ना पालन करो। जैसे कर्तव्य हमारा क्या है, आगे हम पढ़ेंगे, तो कभी कभी पढ़ते जानते हो कि हमारा कर्तव्य क्या है, मतलब हमारे जो आदर्श है, हमारे जो सेनानी स्वतंत्रता सेनानी है उनको संजो कर रखने, उनकी जो है बातों को याद रखें, या फिर कहीं घूमने जा रहे हैं तो जो स्मारक वगैरह है उसको संरक्षित करें। हम क्या करते हैं, पान खाया पुड़िया फाड़ा, अब पचास से जो है जैसे बना वो पीक बस मार दिया, देख रहे हो इधर सब पीड़ा, ये तो नीचे जो है पीक मारा हुआ है, तो ये सब क्या है, ये सब कर्तव्य है हमारे, लेकिन हम कर्तव्य को ध्यान नहीं रखते। तो ऐसे ही राज्य के भी कर्तव्य है, राज्य के कर्तव्य क्या है, डीपीएसपी में जो बातें हैं, जो नीतियां हैं, वो क्या है, राज्य की कर्तव्य है, उन्हें करना चाहिए। कर्तव्य का मतलब क्या होता है, करना चाहिए। अब ये जरूरी नहीं कि करो या ना करो, लेकिन कर्तव्य है, तो इसीलिए ये क्या है, मूलभूत कर्तव्य। और यही क्या है, आदर्शवादी व्यवस्था। यही क्या है, आदर्शवादी व्यवस्था, मतलब कभी धरातल पर लागू ही नहीं हो पाए, उसी को कहते हैं आदर्शवादी व्यवस्था। तो ये कभी लागू ही नहीं हो पाएगी धरातल पर, कि राज्य के तो नियम, राज्य के नीति निषेध में यही ये भी कहा गया, सबके पास समान आय होनी चाहिए, यानी जितने अंबानी अडानी है सबका पैसा छीन करके सब में बांट दो बराबर, समानता का जो है वो होना चाहिए, तो हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो ये आदर्शवादी व्यवस्था, इसीलिए इसको कहा जाता है आदर्शवादी। यथार्थवादी तो सही है, लेकिन आदर्शवादी कभी लागू नहीं होगा, कभी धरातल पे जो है अमली जामा पहनाया नहीं जा सकता है, इसीलिए क्या है, राज्य के मूलभूत कर्तव्य है, ठीक। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, और इनके माध्यम से जो नीति निर्देशक तत्व है, इनके माध्यम से राज्य क्या स्थापित करेगा, कल्याणकारी राज्य, यानी राज्य में सभी को का क्या हो, कल्याण हो, ठीक। और दो प्रकार के लोकतंत्र की स्थापना करना है, सामाजिक और आर्थिक, यानी लोकतंत्र कैसा स्थापित हो, सामाजिक और आर्थिक। हमारे लोकतंत्र जो हमारी डेमोक्रेसी है वो सामाजिक और जो है आर्थिक, इकोनॉमिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से जो है स्थापित। सामाजिक मतलब सबको सामाजिक न्याय मिलना चाहिए बराबर तरीके से, और आर्थिक असमानता की कोशिश होनी चाहिए कम से कम हो। तो ये दो प्रकार के हम लोग जो है डीपीएसपी को संविधान निर्देश देता है कि कम से कम राज्य जो है अपने राज्य में सामाजिक न्याय स्थापित करे, मतलब सामाजिक व्यवस्था स्थापित करे और आर्थिक व्यवस्था स्थापित करे। तो यही क्या कहलाता है, लोकतंत्र। और इसके इससे संबंधित कुछ व्यक्तियों ने कुछ चीजें कही है, तो यहां से भी प्रश्न बनता है। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था ये एक अनोखी विशेषता है, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इसको क्या कहा था, ये अनोखी विशेषता है, संविधान का एक अनोखा जो है पार्ट है। और जी ऑस्टिन एक जो है, इन्होंने बहुत सारे देशों के संविधान पढ़ रखे हैं, तो भारत के संविधान को भी पढ़ा था, विदेशी विद्वान है, तो इन्होंने इस संविधान को पढ़ करके फिर इसको क्या कहा, ये संविधान की आत्मा है। ये क्या है, संविधान की आत्मा। अब देखो यहाँ तीसरी बात निकल आई, संविधान की आत्मा। पहले तो हम लोग पढ़ रहे थे समान रूप से संविधान की आत्मा किसको कहा गया है, प्रस्तावना को, समान रूप से, मतलब एक जो है जिसको मतलब आप समान, किसी का नाम नहीं लिया गया हो तो आप किसको मारोगे,
प्रस्तावना को, किसको मारोगे? प्रस्तावना को, ठीक है, जिसको ठाकुर दत्त भार्गव ने भी कहा है नाम लेकर के। लेकिन ऑर्डिनरी रूप से सभी संविधान निर्माताओं ने ज्यादातर किसको माना था? आत्मा, तो प्रस्तावना को माना था। ठीक, प्रस्तावना का अध्ययन हम लोग करेंगे आगे चल करके, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ क्लियर हो जाएंगी तो प्रस्तावना अपने आप याद हो जाएगा। तो प्रस्तावना को जो है उन्होंने मतलब बहुत एक आम सहमत पर उसे क्या माना गया था? संविधान की आत्मा। लेकिन अंबेडकर जी के विचार में, अंबेडकर जी ने किसको संविधान की आत्मा कहा था? अनुच्छेद 32 को कहा था। तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को कहा था। लेकिन विदेशी जो है विद्वान जी ऑस्टिन ने संविधान की आत्मा किसको कहा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, डीपीएसपी को कहा है। तो ये भी याद रखना है आपको। ठीक, अगर नाम लेकर पूछेगा तो आप किसको टिक करोगे? जी ऑस्टिन को। कहेगा किसके अनुसार संविधान की आत्मा डीपीएसपी है? तो जी ऑस्टिन के अनुसार। या जो है जी ऑस्टिन ने किसको जो है संविधान की आत्मा कहा है? तो डीपीएसपी को कहा है। ठीक, और इसी प्रकार से केटी शाह ने कहा था, केटी शाह एक विद्वान थे, उन्होंने कहा था ये ऐसा चेक है क्या? डीपीएसपी, डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जिसका बैंक अपनी सुविधा अनुसार भुगतान करे। अर्थात चेक क्या? संविधान निर्माताओं ने एक चेक काट दिया अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। उन्होंने बातें लिख दी उस चेक में कि इतना इतना जो है आपको करना है। अब राज्य के पास जब पैसा आए, संसाधन हो, तो उनको क्या करे? वो लागू करे, उनको लागू करे, अर्थात भुगतान करे, मतलब लागू करे। भाई चेक लेकर के हम बैंक में जाते हैं पैसा निकालने, तो उसकी एक टाइम होती है, ड्यूरेशन होता है कि इतने समय तक मतलब चेक वैलिड होगा। काट दिया 3 महीना 4 महीना जो भी वैलिडिटी हो, उससे ओवर हो जाएगा तो फिर भुगतान नहीं मिलेगा, चेक जो है खराब हो जाएगा। लेकिन यहां पर केटी शाह ने क्या कहा है कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधा अनुसार, जब उसके पास खजाना में पैसा हो तब क्या करे? उसका भुगतान करे। अर्थात पैसा क्या? संसाधन। जब उसके पास संसाधन हो राज्य के पास, तो अपने राज्य में कल्याणकारी योजनाओं को, सारी योजनाओं को लागू कर दे। होना तो ये चाहिए, सारी कल्याणकारी योजना जितने हैं अनुच्छेद 36 लेकर 51 तक जितनी योजनाएं हैं सब लागू होनी चाहिए। लेकिन कब लागू होगी? जब राज्य के पास संसाधन होगा ना, औकात होगी, तभी तो। जैसे अभी बात क्या चल रही, सबको पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए, पुरानी पेंशन। अगर हमारा ये अधिकार इसमें, अगर इसको वादियों के बना दिया गया होता, तब तक जाने कितने मुकदमे चल रहे होते इसी पे, कि जितने भी पुराने कर्मचारी हैं उनको तो पुरानी पेंशन मिल रही है, और नए जितने भी कर्मचारी आ रहे हैं सरकारी, उनको नई पेंशन मिल रही, और नई पेंशन में जो फायदा नहीं दिख रहा है, क्योंकि बहुत लोग रिटायर हुए हैं, रिटायरमेंट के बाद उनको जो है 500-600 रुपये महीना पेंशन मिल रही है, सैलरी पा रहे थे 50,000 और पेंशन पा रहे हैं 700-600 रुपये। तो यहाँ पर अगर मतलब समान कार्य के लिए, अभी आगे पढ़ोगे, समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए, तो अगर ये वाद योग होता तो सब लोग जो है कोर्ट में पहुंच जाते मनवाने के लिए। तो अभी कुछ राज्य जो है पुरानी पेंशन लागू करते जा रहे हैं, लेकिन खजाने का बैंड बजने वाला है, संसाधनों का बैंड बजेगा। ठीक है, तो हालांकि इसे बहस नहीं करूंगा, क्योंकि मैं खुद ही, मैं तो खैर पुराने पेंशन में हूँ, नहीं तो लोग कहेंगे पुराने पेंशन में, इसलिए जो है ये नए पेंशन की बात जो है कर रहे हैं। लेकिन फिर भी राज्य को लागू करना चाहिए, क्योंकि देखो पेंशन हमारे बुढ़ापे की क्या है? लाठी। पेंशन हमारे बुढ़ापे की लाठी होती है। किसी पहले जो सरकारें देती थी तो क्या उसकी वजह से खजाना खत्म थोड़े नहीं हो गया था? तो ऐसी व्यवस्था लागू करनी चाहिए, देनी चाहिए, मतलब बढ़ोतरी में। अब आने वाले समय में और ज्यादा समय ऐसा आ रहा है कि बच्चे लात मार के माँ बाप को बाहर करेंगे, कहेंगे हट बुढ़वा, भगाए देंगे कि नहीं, तो बुढ़वा कहाँ जाएगा, बुढ़ा बुढ़ी। अब पेंशन भी सरकार बंद कर दी है, और फिर बच्चा भी जो है कहीं अमेरिका पहुंच गया, कहीं लंदन पहुंच गया, अब बेचारे डोकरी डोकरा यहाँ किसके आश्रित रहेंगे? तो कम से कम उनके लिए पेंशन तो होनी चाहिए। तो आने वाला समय बुजुर्गों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत वाला होने वाला है, इसलिए पेंशन होनी चाहिए, कुल मिलाकर पुरानी पेंशन होनी चाहिए। ठीक, तो इसको जो है केटी शाह ने ये कहा था। तो ये कुछ विशेषताएं हो गई। हम लोग यहाँ पर अब 36 से लेकर 40 तक आज जो है इसको निपटाएंगे कि क्या क्या है। अनुच्छेद 36 ये कहता है कि राज्य की परिभाषा होनी चाहिए। अनुच्छेद 36 में क्या लिखा गया है? राज्य की परिभाषा। लेकिन सिर्फ यही लिख दिया गया है कि राज्य की परिभाषा जो है होनी चाहिए, लेकिन किसके अनुसार होनी चाहिए? अनुच्छेद 12 के अनुसार। यहाँ पर लिखा नहीं गया है कि अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा किस तरीके से की गई है। यहाँ सिर्फ यह लिख दिया गया है अनुच्छेद 36 में कि यहाँ पर राज्य की परिभाषा वही समझी जाएगी जो मूल अधिकारों में अनुच्छेद 12 में दिया गया है। बस एक लाइन में लिख करके और पल्ला झाड़ दिया। अब आपको समझना है कि जो है राज्य की परिभाषा क्या है, तो अनुच्छेद 12 पलटो और वहां समझ लो। तो मैंने पढ़ाया था पूरा और चार तरीके से बताया था, तो वो चार तरीके राज्य की परिभाषा में अभी हालांकि बता भी दिया इस क्लास में। और अनुच्छेद 37 क्या कहता है?
तीन चीजें कहता है अनुच्छेद 37 कहता है कि ये परिवर्तनीय नहीं है। अभी पहले ही बता दिए हैं कि डीपीएसपी क्या है, परिवर्तनीय नहीं है, तो इसको अनुच्छेद में भी रखा गया है, अनुच्छेद 37 में भी लिख दिया गया है कि जो है इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, तो ये परिवर्तनीय नहीं है। लेकिन ये मूलभूत है, ये राज्य के लिए क्या है, मूलभूत है, मूलभूत कर्तव्य है राज्य के लिए, ठीक है। राज्य का काम होना चाहिए, कोशिश होना चाहिए कि जो है इन कर्तव्यों को पूरा करे और राज्य इनको नीति निर्माण में शामिल करे। जो डीपीएसपी के नियम है, जो नीति है, उनको राज्य जब अपनी नीति को बनाए, पॉलिसीज को बनाए, तो उन्हें क्या करें, ध्यान में रखते हुए शामिल करें। अगर कोई भी लीडर्स, कोई भी मंत्री डीपीएसपी को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेगा, या प्रशासक, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, तो फिर राज्य में नीतियों को निर्मित करने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे हम में से कोई पीएम बन जाए, सीएम बन जाए, अगर डीपीएसपी अच्छी तरीके से पढ़े हैं तो राज्य को संचालित करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सब कुछ तो संविधान ने बता दिया है कि किस तरीके से चलना है आपको, किस तरीके से आपको चलना है, तो संविधान सब कुछ बता दिया है। यही मतलब किसी भी देश की तरक्की का जो कुंजी है वो कहाँ है, संविधान में है। किसी भी देश की तरक्की, चाहे आर्थिक कुंजी हो, चाहे सामाजिक कुंजी हो, सारी कुंजी कहाँ से, संविधान में ही है। इसलिए संविधान को समझना बहुत जरूरी है। तो ये राज्य इनको जो है इनका पालन करेगा, नीति निर्माण करते समय शामिल करे। अनुच्छेद 37 में तीन बातें कही गई। अनुच्छेद 38 में जो है यहाँ पर दो बातें की गई हैं। अनुच्छेद 38 एक कहता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीन प्रकार के न्याय स्थापित करेगा राज्य। राज्य जो है तीन प्रकार के न्याय स्थापित करेगा, कैसा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जो कि प्रस्तावना में भी कहा गया है। प्रस्तावना, कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि राज्य जो है कितने प्रकार के न्याय स्थापित करेगा, तो तीन प्रकार के, और ये प्रस्तावना में भी कहा गया है। कौन कौन से तीन प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय यानी सबको समानता होनी चाहिए समाज में, ठीक है, भेदभाव नहीं होना चाहिए, जाति पात नहीं होनी चाहिए, यही तो सामाजिक न्याय है। और आर्थिक न्याय क्या है, सबके पास संपत्ति समान होनी चाहिए, संपत्ति का बंटवारा समान होना चाहिए, ये आर्थिक न्याय है। और राजनीतिक न्याय क्या है, सबको राजनीति में पहुंचने का मौका मिलना चाहिए, ऐसे नहीं कि जो प्रधानमंत्री है उसी का बेटा आगे प्रधानमंत्री बनेगा, उसी का बेटा मंत्री बनेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। तो इसलिए सामाजिक न्याय भी स्थापित होना चाहिए। अब जैसे बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड में हीरोइन का बेटा हीरो हीरोइन बनता है, ठीक है, लेकिन जो है आईएएस वगैरह में, आईपीएस वगैरह में, यहाँ पर तो कौन जाता है, जो परीक्षाओं को पास करता है, जिसके पास में ब्रेन है तो वो जाएगा। लेकिन अगर किसी बच्चे का लक अच्छा है और वो जन्म ले लिया कहाँ, माधुरी दीक्षित के घर में, शाहरुख खान के घर में, तैमूर ने जन्म लिया ना किसके घर में, करीना कपूर और क्या नाम है उसके हस्बैंड का, सैफ अली खान है, तो वहां जन्म ले लिया तैमूर, तो फिर से आक्रमण करेगा। तैमूर कौन था, आक्रमणकारी था ना, तो जो है अब उसके तो भाग्य, वो तो अगर नई नौकरी लगी, नौकरी तो कराएंगे नहीं, तो वो तो बना बनाया है फिल्म में तो पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि उन्हीं के बाप बना रहे हैं, उन्हीं के जो है मम्मी बना रही, प्रोडक्शन हाउस में फिल्म बना रही, तो उनको तो जाना ही जाना है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, राजनीतिक जो है न्याय मिलना चाहिए। राजनीतिक न्याय में यही होगा कि सबको समान अवसर मिलने चाहिए राजनीति में जाने के, तो तीन प्रकार की व्यवस्था। लेकिन ये कैसे स्थापित होगा, देखो संविधान ये भी कहता है कि हमने बता तो दिया तीन प्रकार के न्याय होने चाहिए, अब स्थापित कैसे करोगे वो भी आगे बताते हैं। पहले संविधान निर्माताओं ने इस चीज को नहीं बताया था, तो इसको 44वें संविधान संशोधन में जोड़ दिया गया है 38(2) के तहत। इसको जोड़ा गया है कि आय में समानता होनी चाहिए लगभग सभी की, तो ये क्या हो गया, आर्थिक न्याय की बात कर रहा है। सबको प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए समाज में, सबको प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, यही क्या है, सामाजिक न्याय है। अब प्रतिष्ठा को आप खोलोगे परत दर परत तो बहुत सारी बातें आ जाएंगी, उसी में भेदभाव आ जाएगा, छुआछूत आ जाएगा, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। भाई प्रतिष्ठा में क्या है, किसी का अपमान नहीं होना चाहिए, यही तो है प्रतिष्ठा, सम्मान मिलना चाहिए सबको, ठीक, सबको जी कहकर संबोधित करना, छोटा बच्चा है तो उसको ऐसा नहीं, चल इधर आ जाए, अरे फलाने जी इधर आओ, संबोधन में थोड़ा सा जो है, तो ये प्रतिष्ठा की बात है। सुविधा और अवसर जो है इसकी असमानता, ये समान होना चाहिए, सबको अवसर की समानता होनी चाहिए, अवसर यही तो सामाजिक न्याय है, समाज वो राजनीतिक न्याय है, सबको राजनीति में जाने का अवसर मिलना चाहिए, ठीक। तो ये बातें की गई हैं, इनकी असमानता को राज्य को दूर करना होगा, तभी न्याय मिलेगा, तभी क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा। यानी आय, अगर आय की असमानता है उसे दूर करनी होगी, किसी को प्रतिष्ठा नहीं मिल रही, प्रतिष्ठा में असमानता है, पता चला अंबानी को खूब प्रतिष्ठा मिल रही है,
और छोटे आदमियों को नहीं मिल रही है, तो सबको प्रतिष्ठा सम्मान मिलने का अधिकार है, तो उसकी असमानता को दूर करना है, सबको सुविधाएं देनी है, तभी तो सामाजिक न्याय होगा। और अवसर की समानता होनी चाहिए, अवसर की असमानता खत्म होनी चाहिए, तब राजनीतिक व्यवस्था स्थापित होगी। तो ये यहाँ पर 44वें संविधान संशोधन 1978 में इस बात को जोड़ करके कह दिया गया है 38(2) के तहत कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की स्थापना कैसे करेगी राज्य, तो ये असमानताओं को दूर करके आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर, ये चार प्रकार की असमानताओं को दूर करके राज्य जो है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय स्थापित कर सकते। अब आते हैं आर्टिकल 39 से। आर्टिकल 39 जो अनुच्छेद 39 जो है ये समाजवाद की बात करता है। ये किसी की बात करता है? समाजवाद, कि राज्य जो है समाजवाद की स्थापना किस प्रकार करेगा। तो ये 6 बिंदुओं में बताया है संविधान में, संविधान में 6 पॉइंट्स में इस बात को बताया गया है कि राज्य में समाजवाद कैसे स्थापित होगी। समाजवाद का मतलब समाज ही सर्वोच्च होना चाहिए, राज्य में समाज ही क्या होना चाहिए? सर्वोच्च होना चाहिए। समाज मतलब अब समाज किससे बना है? लोगों से बना है, ठीक। तो लोगों की सुविधा के लिए शासन होता है। अब शासन ये लोग मान लेते हैं कि कोई नेता आ गया बनकर के, मंत्री आके बन गया, तो वो जो है लोगों से बड़ा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लोगों को जो है सेवक होता है, लोगों का वो सेवक होता है, सेवा करने के लिए आता है। पहले यही भावना से लोग राजनीति में आते थे, और अब क्या है, मेवा खाने के लिए आते हैं। अब राजनीति में मेवा खाने की, हम एक बार मंत्री बन गए तो परमानेंट तो हमारा पहले पेंशन बन जाएगा, चाहे दो दिन एक ही दिन के लिए चुनाव जीत कराएं और पद से हट जाए बेशक, लेकिन परमानेंट उनका पेंशन बन जाएगा। और रहे पद पर 6 महीना भी रहे तो सारा सब जो है उठा उठा करके भर लेंगे अपने घर में, ठीक। तो मेवा खाने के लिए आते हैं, तो ये गलत चीज है। तो जो है समाजवाद की स्थापना करने के लिए 6 टाइप्स के निर्देश दिया गया है संविधान। 39(1) कहता है, देखो यहाँ पर अगर संविधान अनुच्छेद इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये पढ़ा जाएगा मूल संविधान में है, और अगर जैसे 39 ये बड़ा लिख दिया गया या का लिख दिया गया बिना जो है ब्रैकेट के अंदर, तो ये संशोधन में जोड़ा गया है। इसको कहाँ कैसे जोड़ा गया है? संशोधन में, पहले भी बता चुका हूँ। तो अगर इस तरीके से कहीं मिलता है का मिलता है, खा मिलता है बिना ब्रैकेट का, तो वो माना जाएगा संवैधानिक संशोधन से बढ़ाया गया है। तो 39(a) जो है ये पहले से ही संविधान में था, तो इसके अंतर्गत कहा गया है कि सभी को समान आजीविका के साधन राज्य मुहैया कराए। सभी को मतलब सभी स्त्री और पुरुष, सभी को स्त्री और पुरुष जितने हैं सबको राज्य जो है आजीविका के सब जो है साधन मुहैया कराए। अब यही बात अगर वाद योग होता तो सब कोर्ट चले जाते, कहते कि सभी को चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो आजीविका के साधन मिलने चाहिए। आजीविका का मतलब सिर्फ यहाँ आजीविका का मतलब नौकरी से नहीं है, आजीविका का मतलब पेट भरने के लिए कम से कम उतना पैसा तो मिलना चाहिए कि एक घर का खर्चा, अगर मान लो एक घर में 10 लोग हैं और प्रत्येक व्यक्ति का खर्चा 100 रुपये पर डे का है, तो कम से कम उस घर में जो है 1000 रुपये पर डे तो होना चाहिए इनकम, तो यही आजीविका है। अब यहाँ पता चलता है जो है बहुत सारे ऐसे मकान है जहाँ पर 2 जून 1 जून मतलब 3-2 जून की जगह 1 ही जून खाना बनता है, 1 जून बेचारों को जो है भूखे सोना पड़ता है, तो आजीविका के साधन नहीं मुहैया हो पाती है सरकार। लेकिन सरकार का लक्ष्य क्या होना चाहिए? आजीविका के साधन मुहैया कराना चाहिए, लेकिन नहीं मुहैया कर। तो इस कड़ी में कुछ जैसे कांग्रेस सरकार ने क्या किया था, मनरेगा लाया था। कांग्रेस सरकार मनरेगा लेकर आई थी, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना लेकर आई थी ना। तो रोजगार गारंटी योजना में क्या था कि कम से कम इतने दिन आप रोजगार करोगे तो इतने दिन आपको गारंटेड जो है पैसा मिलेगा, रोजगार मिलेगा, 100 दिन रोजगार गारंटेड आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये मनरेगा, तो ये किसके तहत लाया गया? इसी के तहत, अनुच्छेद 39(1)(1) के तहत ही जो है एक आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा लागू किया गया। तो ऐसे बहुत सारी स्कीम सरकार लाती है आजीविका को चलाने के लिए। दूसरा 39(b) कहता है भौतिक संसाधनों का समान वितरण हो जिससे कि सामूहिक हित सक सके। भौतिक संसाधन जैसे प्रकृति ने बहुत सारे संसाधन दिए हैं, कोयला, पेट्रोलियम और बहुत सारे, कुछ ही जगह पर केंद्रित है, कुछ ही जगह पर वो केंद्रित है। तो अब ऐसा थोड़ा नहीं झारखंड में कोयला है, झारखंड में जो है लोहा है, तो अब सिर्फ उसी राज्य का विकास होगा उन कोयले से और लोहे से, भाई उस पर पूरे देश का बराबर हक है। तो वहां निकाला जरूर जाता है लेकिन उसका उपयोग पूरे देश के जो है जनता में करने के लिए उसका जो है यूज होगा। जैसे बिजली बनेगी तो सबको मिलना चाहिए, अब फ्री थोड़े नहीं लेकिन कुछ पैसा देने के बाद मिलेगी। तो एक तरीके से सबका सामूहिक हित जो है सधे। जो भौतिक संसाधन है, भौतिक संसाधन मतलब जो प्राकृतिक संसाधन है जो प्रकृति ने दिए हैं। अब भाई प्रकृति ने तो कुछ ही जगह संसाधन दिए, अब तुम्हारे यहाँ तुम अनाज उत्पादित कर रहे हो, अब कहो कि अनाज सारा उत्पादित कर लेंगे फिर जो बचेगा उसको हम आग लगा देंगे, नहीं देंगे दक्षिण वालों को, नहीं देंगे हिमालय वालों को, नहीं खाने देंगे,
तो ये नहीं होगा। जो अतिरिक्त उत्पादन होगा उसको सरकार खरीदेगी या कोई व्यक्ति खरीदेगा, मंडी में पहुंचेगा, फिर मंडी से जहां पैदावार नहीं होती वहां भेजा जाएगा। सबको मतलब सबका सामूहिक हित जुड़ा हुआ है ना इसमें, तो सामूहिक हित को ध्यान में रखते हुए भौतिक संसाधनों का समान वितरण किया जाएगा। कोशिश ये किया जाएगा कि भौतिक संसाधन समान रूप से वितरित हो समाज में। अनुच्छेद 39 सी कहता है धन और उत्पादन के साधन का विकेंद्रीकरण करना है। धन और उत्पादन के साधन, धन मतलब धन पैसा कौड़ी धन है, उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन जैसे आपका जो है श्रम हो गया या मतलब जितने भी अभी इकोनॉमी पढ़ोगे तो वहां पर हम सब कुछ पढ़ाएंगे। तो उत्पादन के साधन यानी माल बनने के लिए उत्पादन में बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, भूमि की आवश्यकता होती है, ठीक है, श्रम की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है, ये सब क्या है उत्पादन के साधन है। तो उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, ऐसा नहीं कि खाली अंबानी परिवार के पास ही सारा उत्पादन के साधन है, सारा उन्होंने जो है वो जियो ला करके और सब पे कब्जा कर लिया कि अब हमारा ही नेट चलेगा और किसी को देंगे ही नहीं नेट चलाने के लिए। तो सबके पास मतलब कोशिश होना चाहिए कि ये विकेंद्रीकरण होना चाहिए। लेकिन अब इन दोनों का जैसे भौतिक संसाधन, अब जमीन भी तो भौतिक संसाधन है, जमीन भी क्या है भौतिक संसाधन। अब जमीन पहले क्या था, अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था स्थापित कर दी थी, रैयतवाड़ी महलवाड़ी जमींदारी व्यवस्था स्थापित कर दी थी, कुछ लोगों के पास ही जमीन आ गई थी, कुछ लोगों के पास ही जमीन आ गई थी। अब अंग्रेज चले गए लेकिन वो क्या कहलाए, जमींदार कहलाए, इनके पास जमीन रह गई, ठीक। तो अंग्रेज चले गए, जमीन, अब समस्या ये आ गई कि बेचारे जो सभी की जमीन थी उसको अंग्रेजों ने जो है जमींदारों को दे दिया। अब जमींदार कह रहे हैं ये मेरी बपौती की जमीन है, खानदानी है, पहले से जमीन मेरे पास चली आ रही है, मैं राय दे रहा हूँ इसको जमीन को सरकार को, तो बड़ी दिक्कत आ जाती। तो यहाँ पर जो संविधान में संशोधन करके, हालांकि पढ़ाया भी हूँ, अनुच्छेद 31 सी जोड़ा गया था, अनुच्छेद 31 सी जोड़ा गया था 25वें संवैधानिक संशोधन में, जब हम पढ़ रहे थे मूल अधिकार, तो वहां पर मैंने पढ़ाया भी था कि अगर इन दोनों को करते हुए भौतिक संसाधनों के समान वितरण को करते हुए या धन और उत्पादन के साधन का विकेंद्रीकरण करते हुए तो किसी न किसी तरीके से मूल अधिकारों का क्या होगा, हनन होगा। जैसे बहुत लोगों के पास जमीन ज्यादा है तो जमीन को हम उनसे छीनेंगे ना, हम मतलब सरकार राज्य जमीन छीनेगी, फिर लोगों को में वितरित किया जाएगा, तभी तो जमींदारी का उन्मूलन होगा। तो ये करते समय वो व्यक्ति कोर्ट भी जा सकता है, क्योंकि उसको हालांकि पहले संपत्ति का अधिकार था तो उसके आधार पर जा सकता था, और या फिर अनुच्छेद 14 के तहत सबको जो है समान न्याय मिलना चाहिए, विधि के समक्ष क्या है सभी समान है, तो अनुच्छेद 14 का उसका उल्लंघन होगा, अनुच्छेद 19 का भी उल्लंघन हो सकता है। तो अगर अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन होता है क्या करते समय, जो है संसाधनों का वितरण करते समय और धन और उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण करते हुए, विकेंद्रीकरण मतलब सब में बांटते हुए, सब में बांटते हुए, किसी के पास एक आदमी के पास नहीं रहना चाहिए, सबके बांटना चाहिए। तो इसमें व्यक्तियों का मूल अधिकारों का हनन होगा, और मूल अधिकारों का हनन होगा तो वो कहां चला जाएगा, कोर्ट चला जाएगा, और कोर्ट चला जाएगा तो कोर्ट देखेगा कहेगा हाँ भैया इसके तो मूल अधिकार का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, तो कोर्ट लागू करवाएगा, कहेगा भैया यहीं पर रोक दो, उससे संपत्ति मत छीनो, वो उसका मूल अधिकार है, उसने बपौती में प्राप्त की थी, उसको नहीं ले जा सकते हो। तो यहाँ पर संसद ने 25वां संविधान संशोधन करते हुए 31 सी जोड़ दिया और कहा कि इन दोनों कामों को करते हुए, अनुच्छेद 39 बी और अनुच्छेद 39 सी, इन दोनों कामों को करते हुए यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का अनुच्छेद 14 अथवा अनुच्छेद 19 का उल्लंघन होता है तो ऐसी स्थिति में वो वाद योग्य नहीं होगा, वो न्यायालय नहीं जा सकता है, तो वो न्यायालय नहीं जा सकता है इस मैटर को लेकर के, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होती, फिर जमींदारी प्रथा कैसे खत्म की जाती, उसे संपत्ति भूमि लेकर के कैसे लोगों में वितरित की जाती, तो नहीं हो सकता था, तो इसलिए यहां पर इसे जोड़ा गया था, ठीक। तो ये बात याद रखना। अब 39D है, 39D अभी तक हम लोगों ने 1, 2, 3 पढ़ लिया, चौथा क्या है 39D, ये स्त्री और पुरुष इनको समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। पहले क्या था कि स्त्रियों को समझा जाता था अबला है तो इनका बजाओ क्या तबला, स्त्रियों को अबला समझा जाता था तो इनको बजाओ तबला, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्त्री भी क्या है, समाज की मुख्य धारा की व्यक्ति है, जिस तरीके से पुरुष है ऐसे ही स्त्रियां हैं। हाँ ये बात अलग है, कुछ ऐसे समय आते हैं जिसकी वजह से वो काम नहीं कर सकती, प्रेगनेंसी में काम नहीं कर सकती, तो ऐसी स्थिति में कोई कंपनी उनसे जो है उनके जो है कार्य को छीन करके उनकी सैलरी नहीं बंद कर सकती है। तो यही बात यहां पर कही गई है कि अनुच्छेद 39D स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। अगर जैसे मैं लेक्चरर हूं, ठीक है, और मेरे साथ ही कोई
महिला लेक्चरानी है, लेक्चरानी कहेंगे लेक्चरर ही कहेंगे, तो फीमेल लेक्चरर है। अब वो चूंकि बच्चे को जन्म देना है तो वो 6 महीने साल भर काम नहीं करेगी, तो काम नहीं करेगी तो ऐसे में सरकार थोड़े नहीं कहेगी तुमने 6 महीने काम नहीं किया है तो तुम्हारी सैलरी हम काट करके तुमको नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो ऐसे व्यवस्था यहाँ पर की गई है कि समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए, अर्थात उनके लिए अलग से व्यवस्था भी की गई है कि उनको जो है प्रसव अवकाश भी मिलेगा, बारिश होने लगी है तो इस तरीके से समान कार्य के लिए समान वेतन। तो ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, किसमें? अनुच्छेद 39D में कहा गया है। किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 39D में, यानी सभी स्त्री और सभी पुरुषों को जो एक जिस कार्य पे है। अब ऐसा थोड़े नहीं कि जो है वो मास्टरनी हो कहे मुझे डीएम वाला तनख्वाह दे भैया, तो वो नहीं। जब मास्टर मास्टरनी की तनख्वाह बराबर होगी, डीएम डीएमानी की तनख्वाह बराबर होगी, ठीक। तो ये यहाँ पर यानी समान कार्य के लिए समान जो है वेतन होना चाहिए, ये 39D में कहा गया। अब 39E क्या कहता है? ठीक, 39D समझ गए, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन कौन से अनुच्छेद में है? 39D में, 39D में। 39E क्या कहता है कि यहाँ पर सामर्थ्य के अनुसार जो है कार्य लिया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए कहा गया है कि सामर्थ्य के अनुसार, सामर्थ्य मतलब जो उसकी क्षमता है। मान लो किसी को बोझा उठाने की क्षमता सिर्फ 10 किलो की है, यानी 10 ईंटा ले जा करके वो जो है बिल्डिंग पे पहुंचाएगा, अब उसके ऊपर लाद दो तुम उसको ऊंट बना करके साला 20 बोझा लाद दो, उसकी सामर्थ्य नहीं है। लेकिन अब वो बीमा से बेचारा, घर में पैसा है नहीं तो करेगा काम, और ये राज्य करवा रहा है तो राज्य को निर्देश दिया गया है कि किसी की व्यवस्था का फायदा उठा करके, जो विवश हो आर्थिक रूप से किसी की जरूरत हो तो उसकी व्यवस्था का फायदा उठा करके जो है सामर्थ्य के अनुसार ही काम लिया जाए, ना कि उससे जबरदस्ती काम नहीं लिया जाए। तो ये बात कहता है 39E। और इसी में सुकुमार बालक भी क्या है बेचारे, सुकुमार है, कोमल होते, सुकुमार मतलब कोमल, तो बालक बेचारे कोमल होते, सुकुमार होते, तो उनकी आयु का दुरुपयोग ना किया जाए। ये छोटे हैं तो इनको कम पैसा दिया जाए, काम लग गया, 15 साल का बालक है, 14 साल तक तो लगा ही नहीं सकते हो, 14 साल तक तो बाल श्रम निषेध में आएगा। लेकिन 15 साल का है, मान लो किसी फैक्ट्री में लगा दिया कि जो है चल चिनाई कर, वहां जो है वो गारा बना, ईटा बना, तो उससे कहो कि भैया तुमको जो है ज्यादा काम लेंगे, और या फिर जो है तुमसे, तुम छोटे हो तो तुमको कम सैलरी देंगे, तो ये काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर जो है सुकुमार बालकों की आयु का दुरुपयोग ना किया जाए, ये ध्यान में रखा जाए, ठीक, कोई कार्य लेते समय। इसी प्रकार से किसी की आर्थिक व्यवस्था का फायदा ना उठाया जाए। कोई आर्थिक रूप से अगर विवश है, जैसे पहले पिक्चर क्या आती थी पुरानी फिल्म, तो उसमें ये होता था जैसे किसी के मम्मी बीमार है, और मम्मी को क्या होना है, उनके ऑपरेशन होना है, किडनी लगेगी, और किडनी मिल रही है 2 लाख की। अब बेचारे के पास पैसा है नहीं, तो हीरो गरीब है, तो हीरो जाता है जो है किसी सर्कस में, और वहां पर जो है सर्कस में वो आग लगा करके और पानी में कूदने वाला जो एक्टर था वो चला गया है कहीं छोड़ करके, तो वो क्या करेगा, फिर जाकर कहेगा हमको 2 लाख रुपए दे दो, हम ये करेंगे। तो अब उसकी व्यवस्था हो गई कि उसे पैसे चाहिए, तो सर्कस का मालिक क्या कहेगा, ठीक है चलो कूदो, क्योंकि हमारे दर्शक जो है अभी नगाड़ा बजाएंगे अगर हम ये नहीं कराएंगे, क्योंकि हमने तो पीछे बैनर लगा रखा ना सामने, यहाँ पर जलता हुआ, आग से जलता हुआ व्यक्ति पानी में कूदेगा, जमीन में कूदेगा, और वो दिखाएंगे नहीं तो टमाटर और अंडे चलेंगे बाहर। तो इसलिए जो है ये आ गया है, अब इसकी व्यवस्था का क्या उठाए, फायदा उठाए, तो उससे उसको पैसा दे देंगे और उससे कहेंगे कूद जा आग लगा के, अब तो मरेगा, क्योंकि भाई जो एक्टर होते हैं वो तो प्रैक्टिस किए होते हैं, अब वो तो ऐसे जाकर कूदेगा। तो ऐसी किसी व्यवस्था का, किसी व्यक्ति की आर्थिक व्यवस्था का, आर्थिक मजबूरी का फायदा राज्य को नहीं उठाना चाहिए। तो ये जो है अनुच्छेद 39E में कहा गया है। ये फिल्म की पहले फिल्में ऐसे आती थी, अब तो झुंझुना टाइप की फिल्म आती है। तो जो है ये 39E में कहा गया। और 39F में जो है क्या कहा गया है, बालकों के स्वास्थ्य विकास सुविधाएं जो है राज्य मुहैया कराए। 39F कहा गया, इसको जोड़ा गया है 44वें संविधान संशोधन में, कि बालकों के स्वास्थ्य विकास हेतु, देखो किसी भी राज्य की धरोहर जो होती है, पूंजी जो होती है, बालक होते हैं। क्या होते हैं? बालक। अगर बालक स्वस्थ होंगे तो स्वस्थ राष्ट्र होगा, क्योंकि स्वस्थ बालक ही क्या करेंगे, राष्ट्र का निर्माण करेंगे, राष्ट्र के निर्माण में भागीदार होंगे। हम लोग तो बुढ़े होते जाएंगे धीरे धीरे, हमारी जो है काम करने की सामर्थ्य क्षमता धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो अब जो नई पीढ़ी आएगी वही तो देश को संभालेगी, वही शिक्षक बनेंगे, वही जो है वकील बनेंगे, वही जो है डॉक्टर बनेंगे, वही इंजीनियर बनेंगे, वही IAS बनेंगे, वही IPS बनेंगे। तो
अब इनके स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी तो वो बन पाएंगे, तभी तो वो पढ़ पाएंगे, तभी तो अपने ब्रेन का विकास करेंगे। तो बच्चों का स्वास्थ्य ध्यान रखना है, उनके स्वास्थ्य के विकास से सुविधाएं उपलब्ध करानी है किसको, राज्य को। यह पहले संविधान निर्माताओं को नहीं ध्यान था तो उस समय नहीं बनाया था, तो इसे 44वें संविधान जो है संशोधन द्वारा इसे जोड़ दिया गया है। तो अभी आप देखते हो जो थाली कटोरा लेके बच्चे चल देते हैं प्राइमरी स्कूल में, पोषाहार लेने चल देते ना आंगनवाड़ी वगैरह में, ये सब क्या है, उसी इसी कार्यक्रम का ही एक हिस्सा है, इसी कार्यक्रम का एक हिस्सा है क्या आंगनवाड़ी और ये सब, कि बच्चे जो है क्या फाकेंगे, पंजीरी फाकेंगे तो उसमें क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, मिनरल्स मिलेंगे, विटामिन मिलेंगे, तो बच्चों का स्वास्थ्य क्या होगा, सही रहेगा। अभी बात अलग है कि जो है बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर दिया जाता है, कभी कभी खाने में जो है पता चला टमाटर बैगन जो है सड़े हुए हैं वही सब्जी बन गई, तो ये नहीं होना चाहिए। तो बालकों के स्वास्थ्य के विकास से राज्य जो है तमाम प्रकार के कार्यक्रम कर सकती है। इसी प्रकार से बच्चों का टीकाकरण होता है, आपने देखा होगा बच्चा जन्म लेता है तो फ्री में टीका लग जाता है ना, BCG का टीका और जो है इस तरीके से पोलियो और खसरा ये सारी टीका लगती है। तो ये सब क्यों, इसी को ध्यान में रखते हुए कि राज्य जो है बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी, ठीक। तो अनुच्छेद 39(1) में कहा गया। अब ये तो हो गया 6(6), क्या हो गए जो है समाजवाद की स्थापना करने के, क्या हो गए जो है ये जो है निर्देश हो गए, 6 प्रकार के निर्देश दिए हैं जो है संविधान ने डायरेक्ट जो है DPSP में, कि इससे क्या स्थापित होगा, समाजवाद की स्थापना होगी। ये सारी चीजें जब राज्य लागू करेगा तो राज्य में समाजवाद लागू होगा। आगे 39(a) जोड़ा गया है 44वें संविधान संशोधन, यहाँ पे ए बड़ा लिखा गया और बिना ब्रैकेट में लिखा गया है, तो ये क्या है, जोड़ा गया है, कब जोड़ा गया है 44वें संशोधन, तो इसमें जोड़ा गया है समान न्याय व विधिक सहायता सबको, भाई न्याय के समक्ष सभी समान होंगे, ये तो कहां कहा गया है 14 में मूल अधिकार में, लेकिन यहां पर भी कह दिया गया है, न्याय पर जोर दिया गया है कि सबको न्याय समान रूप से मिलना चाहिए, तो न्याय के लिए जोरदार बात जोड़ी गई कि नहीं। DPSP में भी प्रश्न यहां से भी पूछ लेता घुमा फिरा करके कि वो कौन सी बात है जो मूल अधिकार में भी है और जो है DPSP में, तो न्याय समान न्याय की बात की गई है, वहां पर न्याय के समक्ष सभी क्या होंगे, बराबर होंगे, समान होंगे, ठीक। तो यहां भी समान न्याय मिलेगा तभी तो न्याय के समक्ष सभी बराबर होंगे। और अगर इसी को ध्यान में रखते हुए अगर कोई कोर्ट में कोई व्यक्ति गया, गरीब है बेचारा और वो क्या नहीं कर पाता है, वकील नहीं कर पाता है, पैसा नहीं है, तो ये राज्य का कर्तव्य है कि उसे वकील मुहैया कराया जाए। वकील क्या करता है, विधिक सहायता देता है ना, कानूनी सहायता देता है वकील। मास्टर क्या करता है, शैक्षणिक सहायता देता है बच्चों को, बच्चों को ऐसे थोड़े नहीं कि तुमको हम जो है पास करा देंगे या तुमको डॉक्टर इंजीनियर बना देंगे या IAS PCS बना देंगे, हम क्या देते हैं, शैक्षणिक सलाह देते हैं, ज्ञान देते हैं। तो ऐसे ही वकील का काम क्या है, जो है कानूनी सलाह देना, कानूनी। तो राज्य की ये व्यवस्था है कि राज्य अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कानूनी रूप से सहायता नहीं ले पा रहा है, पैसा नहीं है, तो उसे वकील मुहैया राज्य को कराने का क्या है, निर्देश है DPSP में, जो है निर्देश दिया गया है, ऐसा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। तो अब इसी को ध्यान में रखते, जैसे कसाब था, कसाब जो है उसने मुंबई में हमला किया था, तो अब उसके लिए कोई, उसका घर वाले भी पहचानने से मना कर दिए थे, तो कौन उसका वकील करेगा, तो उसके बावजूद भी, जो कि विदेशी था, उसके बावजूद भी राज्य ने इस चीज को ध्यान में रखते हुए उसको एक वकील दिया था, कोई ऐसा वकील दे दिया था, घटम पट्टम की केस हार जाए। तो ऐसे वकील मतलब विधिक सहायता देना भी राज्य का क्या है, कर्तव्य है, मूलभूत कर्तव्य में से एक है। तो इसे कब जोड़ा गया है, 39(a) में, ठीक। अब 40वां क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन। अब देखो गांधी जी कहा करते थे कि जो है गांव स्वावलंबन होंगे तभी राष्ट्र क्या होगा, विकसित होगा, इसीलिए गांव के स्वावलंबन पे बहुत बात किया था। तो इसीलिए अनुच्छेद 40 को कहा जाता है गांधीवादी विचारधारा। अनुच्छेद 40 को क्या कहा जाता है, गांधीवाद। अनुच्छेद 39 जहां समाजवादी विचारधारा से प्रेरित है, वही अनुच्छेद 40 किससे प्रेरित है, गांधीवादी विचारधारा से। तो यहां पर ध्यान रखना जो है ये गांधीवाद स्थापित कर रहा है, क्या जो है अनुच्छेद 40, ये कहता है ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए, अर्थात जो है जो राजनीतिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए। पहले क्या था, राजनीतिक विकेंद्रीकरण नहीं था, नीतियां कहां से बनती थी, केंद्र से बनती थी और फिर नीचे आते। इस चीज को राजीव गांधी ने भी माना था कि केंद्र में जो योजनाएं बनती हैं उसका 20% ही जो है कहां पहुंचते हैं, गांव स्तर पर पहुंचते हैं, 80% पैसे का क्या हो जाता है, बंदरमाट हो जाता है। तो इसीलिए गांधी जी पहले ही कह गए थे कि ग्राम पंचायतों का गठन हो, यानी जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं वो कहां शुरू होनी चाहिए, गांव स्तर से शुरू होनी चाहिए। तो ये राजनीतिक विकेंद्रीकरण की बात करता है कौन, अनुच्छेद
40 ग्राम पंचायतों के गठन का। इसी को ध्यान में रखते हुए 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन 1992 में किया गया था। 1992 में दो संशोधन किए गए, 73वां और 74वां। 73वां संविधान संशोधन करके अनुसूची 11 जोड़ी गई, अनुसूची 11 जोड़ी गई। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी। नवी अनुसूची प्रथम संशोधन से जोड़ी गई थी ना, और इसी प्रकार से आगे अनुसूचियां जोड़ती चली गई। तो 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 1992 में 73वें संवैधानिक संशोधन में, और उसमें कहा गया कि जो है ग्राम पंचायतों का क्या होगा, गठन होगा। तो ये किसमें कहा गया? 73वें संशोधन में। और 74वें संशोधन में गठन किया गया न्याय नगर पंचायतों की, किसकी? नगर पंचायतों की। तभी देख रहे हो प्रधानी के इलेक्शन होते हैं रेगुलर 5 साल पे, और नगर में नगर पंचायतों के इलेक्शन होते हैं हर 5 वर्ष पे। अब होने वाला है जो है नगर पंचायतों का इलेक्शन होगा आने वाले मई जून में, डेट आ गई थी लेकिन कुछ कारणवश उसको टाल दिया गया है। तो ये सब किसके तहत हो रहा है? ये ग्राम पंचायतों के गठन के ही उसको ध्यान में रखते हुए 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन किया गया। और ये गांधी जी पहले से कहते आ रहे थे, इसीलिए इसको कहा गया गांधीवादी विचारधारा। तो इस तरीके से अनुच्छेद जो है 36 से लेकर के और 40 तक सिर्फ 4 अनुच्छेद पढ़ने में जो है 12 बच गए हैं। लेकिन अब आगे के अनुच्छेद इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? तो अगले दूसरे क्लास में इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद जो है 41 से लेकर के 51 तक।